दोस्तों, मैं मालती सरा। आइए, मालती किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रवा इडली, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी ये सूजी लिया हुआ है, रोस्टेड सूजी। ये सूजी मैं रेडीमेड लाती हूँ, बावर्ची कंपनी की है रोस्टेड सूजी। अगर आप लूज सूजी लेते हो तो आप उसे घर में हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लो। ये 2 कटोरी सूजी है। अब इसके अंदर हम ये 1.5 कटोरी के करीब दही डाल देंगे इसमें, और दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें एक बार हम पानी बहुत थोड़ा डालेंगे, जब सूजी अच्छा फूल जाएगा उसके बाद में हम पानी इसमें और ऐड करेंगे। अभी ये सूजी हमने भिगा दी है, इसे हम करीबन 10 मिनट फूलने देंगे, और जब ये सूजी हमारी फूल जाएगी फिर इसमें पानी और ऐड करेंगे हम। और ये खाने का मीठा सोडा है, मैंने इसमें लिया है आधी चम्मच, और मैंने इसमें 1 चम्मच सॉल्ट लिया है। जब सूजी भीग जाएगा जब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारी सूजी भीगने के बाद में। अभी हम सांभर की तैयारी किए हैं, सांभर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 कटोरी तुअर का दाल मैंने भिगा दिया है, 1 घंटा पहले मैंने इसे सोक किया है और धो के अच्छे से रख लिया है। और इसमें डालने के लिए मैंने दूध ही ली है। और इसमें जो हम बघार लगाएंगे उसके लिए मैंने 1 कांदा काटा है ऐसे लंबे स्लाइस में, 1 टमाटर मैंने डाइस में काटा है, और इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है, 1 लहसुन की कली ली है जिसे भी ग्रेट कर लिया है, और मैंने इसमें आधी हरी मिर्ची ली है, क्योंकि सांभर के अंदर हम सांभर मसाला डालते हैं, इसमें मिर्ची होती है और हम लाल मिर्ची भी डालेंगे। और ये कड़ी पत्ता लिया है 4-5 टुकड़े, इसको मैंने बारीक कट कर दिए हैं, और ये हरा धनिया बारीक कट लिया है, और छौंक के लिए मैंने ये नमक राई लिया है, और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और हम इसमें लेमन बहुत कम डालेंगे, क्योंकि हम टमाटर का फ्लेवर इसमें खट्टा रहेगा, हम 1/4 टुकड़ा लेमन का लेंगे। अभी हम इस दाल हमारी चढ़ाते हैं उबालने के लिए। अभी हमारी दाल हम ये उबालने रखेंगे, इसे हम 3 सीटी देंगे, 3 विजल देंगे इसे हम। और ये दूधी भी हम इसमें कट की हुई हमारी इसमें डाल देंगे, और इसमें करीबन पानी हम 2 कटोरी दाल ली है तो इसमें पानी हमारा 3 कटोरी 3.5 कटोरी करीब पानी जाएगा। ये इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, करीबन 2 चम्मच मैंने रखा है इसमें ये, और इसमें हल्दी डाल दूंगी मैं, 1/2 चम्मच हल्दी रखी है इधर मैंने। और सांभर जब बनाते हैं जो अदरक इसमें डालेंगे दाल में तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हमें बॉईल करने में डालना चाहिए। इसे अभी हम 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। अभी हमारा हमने सांभर भी बॉईल करने रख दिया है, और हमारा घोल भी रवा का भीग रहा है, जब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं दालिये की। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दालिया लिया है, 1 मैंने प्याज लिया है ऐसा लंबा मैंने काट लिया है, 1 टमाटर लिया है डाइस में काट लिया है, और 2 लहसुन की मैंने कली ली है इसमें साबुत, और 2 हरी मिर्ची ली है मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काट लिए है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है उसे भी ऐसा मैंने बड़ा काट लिया है, 4-5 मैंने इसमें कड़ी पत्ते लिए है, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और हमें जो कोकोनट नारियल है वो मैंने बहुत थोड़ा लिया है, 1 टुकड़े को मैंने 4-5 टुकड़े ऐसे छोटे छोटे कट कर लिए है। आइए हम हमारी चटनी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए, आपको बताती हूँ मैं। इसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं हमारी, तो हम ज्यादा तेल नहीं डालना है हमें, क्योंकि इसमें हम छौंक में भी हमारा थोड़ा तेल जाएगा। तेल हमारा गर्म हो गया है हल्का। अभी इसमें हम सबसे पहले ये हरी मिर्ची के टुकड़े, ये अदरक, और ये लहसुन की 2 फांक रखी वो डाल देंगे। ये हमारा जो प्याज हमने कट करके रखा प्याज डाले इसमें, ये 2 कड़ी पत्ता रखा था 4-5 पीस वो डाला है। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है,
इसे हम करीबन एक मिनट के करीब भून लेंगे। ये हमारा प्याज हमने एक मिनट भून लिया है। अभी इसमें हम टमाटर डाल देंगे और ये कोकोनट रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे और ये हरा धनिया। इसे भी हमें एक मिनट भूनना है ढक्कन लगा के और इसे एक मिनट भूनने देंगे हम। अभी हमारे भुंजा हुआ दालिया जो है ये इसमें डाल देंगे। इसे हमें सिर्फ हार्डली आधा मिनट सॉटे करना है थोड़ा फ्लेम तेज करके। अब इसे हम ये हमारा भुनना का रेडी हो गया है। अब इसे पीसने का है हमें पर इसे ठंडा करके पीसेंगे तो इसको हम अभी 10 मिनट ठंडा कर लेंगे एकदम रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे इसे। ये अभी हमारी सूजी बहुत अच्छे से भीग गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम देखिए एक साथ में तीन चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक तो रवा इडली बना रहे हैं, एक हम इसका सांभर बना रहे हैं तुअर की दाल का, और एक हम भुंजे हुए चने की चटनी बना रहे हैं। पानी इसमें हल्का हल्का मिलाना है हमें। ये इडली हेल्दी भी बहुत है क्योंकि इसमें हमने भुंजी भी सूजी ली है और पानी और दही लिया है। दही और सूजी ये हमें फूड हमारे खाने के इसमें बहुत लाइट रहते हैं और ये डाइट के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ऑयल भी बहुत कम जाता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। अभी इसमें हमने ये एक चम्मच नमक रखा है ये हम इसमें मिक्स कर देंगे और मैंने ये आधी चम्मच इसमें सोडा रखा है। सोडा डाल के हम तुरंत इडली चढ़ा देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने के बाद में हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना चाहिए ताकि वो हमारा घोल है वो अच्छे से एकदम फ्लफी हो जाता है, घोल हमारा फूल जाता है। ये देखिए घोल हमारा कैसे ऊपर आने लगा है। ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है घोल। अब हम इडली के सांचे में हल्का हल्का तेल डाल के हम इसमें इडली भरेंगे। ये जो मैंने दो कटोरी रवा लिया है इसमें करीब हमारी 20 इडली बनेगी। एक एक चम्मच मैं इसमें ऐसे ये घोल डाल दूंगी और थोड़ा सा ऐसे हाथ से टैप कर दूंगी ऐसे। इसी तरह हम सब भर लेंगे। ये हमारा पानी ये गर्म हो गया एकदम अच्छे से भाप निकल रहा है। ये इडली हम इसमें स्टीम करने रख देंगे। ये हमारी इडली 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। अभी हम सांभर बनाएंगे। इसके लिए करीबन मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। ये सबसे पहले हम प्याज इसमें भूनने रखेंगे। हम सांभर में 6 ऊपर से डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा फिर। और दूधी हमने सांभर जो ये कुकर में बॉईल किया है हमने इसमें दूधी डाल दी है और इडली एक बार जो हमारी बन रही है
सांभर का मसाला हम भूनेंगे तब तक हम फिर चटनी पीस लेंगे। हमारा इडली सांभर चटनी तीनों चीज साथ में रेडी हो जाएगी। प्याज को हम हल्का एक मिनट भून लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। देखिए हमारा प्याज कितना अच्छा गुलाबी भून गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर भी हमें एक मिनट भूनना है। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है, इसे हम फिर से ढक्कन लगा देंगे। आइए अभी हम चटनी की तैयारी करते हैं। ये जो हमने चटनी का मसाला भून के रखे थे इसमें हम करीबन एक चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पानी इसमें करीबन आधा ग्लास के करीब पानी जाएगा, पर हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्सी में हमें ग्राइंड करना है। अभी हम चटनी का छौंक बना लेंगे, उसके लिए मैंने छोटी वाली चम्मच ये तेल डाला है, डेढ़ चम्मच के करीब। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। और यहाँ देखिए अपना टमाटर भी कितना अच्छा भूंज गया है, इसको मैंने दो मिनट भूंजा था टमाटर। ये चटनी के लिए मैंने इसमें थोड़ा राई डाल दिया है, राई हमारी चटकनी चाहिए अच्छी। गैस मैंने थोड़ा सिम कर दिया है, ये कड़ी पत्ता डाला है मैंने। ये अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। इसमें बहुत हल्की सी एकदम वन पिंच मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी चटनी में कलर लाने के लिए। और ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, ये हम चटनी में हमारा चॉप डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी लग रही है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अभी हम सांभर की तैयारी करते हैं। जो हमारा सांभर हमने भूनने रखे हैं, अभी हम कुकर खोल लेंगे। हमारा सांभर को हम ऐसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा राई से इसे जो तुअर की दाल है हमारा थोड़ा उसे मैश कर लेंगे, थोड़ा सा हल्के हाथ से एकदम। और ये जो सांभर अभी हमारा ये है, ये हम जो कांदा टमाटर भून गया है इसमें हम डाल देंगे धीरे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अभी हम सांभर में छौंक लगाएंगे, इसके लिए एक चम्मच तेल डाला है मैंने। तेल हमारा गर्म हो जाए, सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे, गार्लिक डालेंगे सबसे पहले, फिर इसमें चिली डाल देंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, अब हमें क्या करना है, जो हमें सांभर मसाला लिया हमने, मैंने एक चम्मच सांभर मसाला है और ये लाल मिर्ची आधी चम्मच, इसे मैं पानी में घोल के डालूंगी। सांभर मसाला जो होता है ये भूंजा हुआ होता है, इसे पानी में मिक्स करके डालने से जलता नहीं है। लाल मिर्ची और सांभर मसाला हमने पानी में मिक्स करके डाला है। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है गैस ऑफ करके, अभी हम इसमें सांभर में डाल देंगे। ये जो अंदर मसाला इसमें लगा है उसे भी एक चम्मच डाल सांभर डाल के
ये मैं इसमें एक चम्मच पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अगर चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी फूल गई है। अभी हम इसमें सांचे से इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम करीबन 5 मिनट के करीब, इसे हम 2 मिनट के करीब ठंडा होने देंगे। ये देखिए अभी हमारा इडली सांबर और चटनी, ये रवा इडली, ये भुंजे में दाल की चटनी और ये तुअर का दाल का सांभर, ये हमारा रेडी है। आपको कैसा लगा मुझे बताइए। और दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए, आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।